में पाया था जो सफर, पदावन में बदल गई वो डगर। आरक्षण की सीढ़ी से मिला था प्रमोशन, रोक हटी अब होगा डिमोशन। आरक्षण, प्रमोशन और डिमोशन। सामाजिक समानता का ताना बाना बुनकर सियासी दल कई बार आवाम को ही दलदल में फंसा देते हैं। एक सरकार फैसला लेती है और दूसरी सरकार उस पर नाखुशी जताकर बदल देती है। आरक्षण के तवे को गर्माकर तो सियासी दल सेंकते ही रहते हैं रोटियां, लेकिन एक फैसले से फिर गर्मा सकता है माहौल। प्रोन्नति में पाया था जो सफर, पदावन में बदल गई वो डगर। आरक्षण की सीढ़ी से मिला था प्रमोशन, रोक हटी अब होगा डिमोशन। आरक्षण, प्रमोशन और डिमोशन। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं, जो कि सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं, जो लगातार इस फैसले के खिलाफ रहे प्रमोशन में आरक्षण के। अवधेश वर्मा जी जो कि वकालत करते रहे हमारे साथ हैं, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के प्रमुख संयोजक। ओमकार नाथ सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण के लाभ में प्रोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदावनत करने के लिए रोक जो लगी थी उसे हटा ली और इससे आरक्षण का लाभ पाए कर्मचारियों के डिमोशन का रास्ता साफ हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात सिद्धांत तक कही जाए, इन लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। तमाम सामाजिक समस्याओं का कारण और निदान आरक्षण में तलाश किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं, हमारी पार्टी इससे सहमत है। सदियों से बदस्तूर सामाजिक समानता को तराशने के लिए बड़ी मासूमियत से गढ़ा गया था वक्त के गर्भ में आरक्षण का अस्तित्व। अनुसूचित जाति राज के अध्यापक संघ, लेकिन सयानी सियासत के आगोश में बदल गई आरक्षण की आस्था और इसी आस्था का परिणाम था प्रमोशन में आरक्षण। अब हाईकोर्ट ने हटाई है लगी हुई रोक, जिनका हुआ था प्रमोशन अब हो जाएगा डिमोशन। कोर्ट ने तमाम पहलुओं में नजर रखने के बाद देखा कि राज्य सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो सही था और वो रोक जो लगाई गई थी उसको डबल बेंच ने कल उस रोक को समाप्त कर दिया है। प्रमोशन में आरक्षण की सीढ़ी पाकर जो नीचे थे वो ऊपर पहुंच गए। समानता और असमानता में होने लगा असंतुलन, तो सरकार ने उस रास्ता से वो सीढ़ी हटा ली जो जहां थे फिर से वहां लाने के लिए। कुछ विभागों में शुरू हुआ था सिलसिला, मामला ये भी अदालतों के आंगन में लेने लगा अंगड़ाई। तमाम दलीलों, वकीलों और बहस के बाद हाईकोर्ट ने पदावन्नति से रोक हटा ली। सियासी महफिलें पहले भी जमा थी, अब भी जम रही। जब रिजेक्ट हो गया है तो मैं इसे दिल में पीड़ा रखने वाली बात ही रह जाती है। मैं समझता हूँ कि आगे सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार फिर करेगी, अभी हाल फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया है, हम न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों के कारण जिस प्रकार की सियासत आरक्षण को लेकर के हुई है वो पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। बहरहाल पहले आरक्षण, फिर प्रमोशन और अब डिमोशन, करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी होंगे प्रभावित। सवाल ये कि आखिर क्यों किए जाते हैं ऐसे टोटके, समानता के बजाय क्यों सियासी फायदे के लिए खिलाई जाती है आरक्षण की अपील। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार। प्रभाव साहब लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। अवधेश वर्मा जी, दिल में पीड़ा होगी आपके? अवधेश जी आपको आवाज मिल रही? हाँ जी मिल रही है जी। जो फैसला हुआ और सरकार ने जिस तरीके से इस तरफ कदम बढ़ाए थे, दिल में पीड़ा होगी अब आपको? जी देखिए, सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है यहाँ पे दलित कार्मिक जो है उनके साथ विद्वेषपूर्ण भावना से कार्य कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सभी कार्मिक को समान रूप से उनको एक नजर से देखना चाहिए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार हमारा पक्ष सही तरीके से नहीं रख रही है। आप देख रहे होंगे कि 31 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी रिवर्ट किए जा रहे थे कर्मचारी, उस पर रोक लगाई गई और उत्तर प्रदेश सरकार इतना जल्दबाजी में जाके वहां शपथ पत्र दाखिल किया और शपथ पत्र में यह कहा कि साहब ये इनको सुप्रीम कोर्ट का भी है कि आर्डर उसका हवाला दिया और कहा माननीय लोकसभा में यह मामला लंबित है इसलिए इनको रिवर्ट कर दिया जाए। आप देखें उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत देख लीजिए कि अगर वो कोई भी दलित कार्मिक अगर यादव सिंह है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट एक कर देती है, और अगर कोई ऐसा कार्मिक है जो उतना बाहुबली और या पैसे का बल उसके पास नहीं है
तो उसके लिए जो कहीं भी उसको संवैधानिक रूप से हक मिला है तो उसको रिवर्ट कराने उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट पहुंच जाती है, पूरा जोर लगा देती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार आज की डेट में जो भी कार्रवाई कर रही है वो विद्वेषपूर्ण भावना से कर रही है, और संवैधानिक दायित्व के तहत जो दलित समाज को संविधान के दायरे में रहकर जो अधिकार मिला है उसका पक्षकार बनकर जो पूरी बात माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में रखना चाहिए वो नहीं रख रहे, और उसी का नतीजा है कि जो निर्णय आ रहा है उसमें हमारी जो भागीदारी, जो संवैधानिक तरीके से जो हमें अधिकार मिला है उसको कानूनी रूप से वहां पे नहीं पुटअप किया जा रहा है, जिससे हमारे कार्मिकों के साथ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। और हमारे लोग आज की डेट में समानता की कार्रवाई के बदल के अब आज की डेट में मुख्य धारा से एकदम नीचे उतर कर आ गए हैं। ठीक है, अवधेश जी ने जो बात की, शैलेंद्र जी क्या वाकई में ऐसा है कि सरकार ने एक स्टेप आगे लेकर के तमाम पहलुओं को सही तरीके से नहीं रखा अदालत के सामने, जो अवधेश जी कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, चीजों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं बताऊं मामला क्या है। 4 जनवरी 2011 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और कहा कि मायावती सरकार का पदोन्नत में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का जो आदेश है वह असंवैधानिक है, अल्ट्रा वायरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस समय तो मायावती की सरकार थी। और फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है 27 अप्रैल 2012 को। उल्लेखनीय है कि 15 मार्च 2012 तक मायावती सत्ता में थी और 15 मार्च 2012 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कोई सुनवाई हुई नहीं, केवल फैसला आया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सामने मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहना था वह मायावती की सरकार ने कहा है। और मैं सरकारों की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में यह व्यवस्था है कि पदोन्नत में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता जो आदेश किए गए थे 1994 का नियम 3(7) और 2007 का रूल 8(a) वह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। यह सर्वोच्च न्यायालय के 2 सदस्यों की पीठ ने दिया है और यह निर्णय दिया गया है यम नागराज के संदर्भ में। जी, यम नागराज का निर्णय एक संविधान पीठ का निर्णय है जिसमें 5 न्यायाधीश थे। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उन 5 न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश ऐसे थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, एक बालाकृष्णन साहब थे जो खुद अनुसूचित जाति के थे और दूसरे कपड़िया साहब, 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो जो व्यवस्था उन्होंने दिया कि ये बाध्यकारी कारण अगर हैं तब पदोन्नत दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं, और वह बाध्यकारी कारण नहीं थे, इस कारण से यह पदोन्नतियां असंवैधानिक घोषित की गई और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। हमारा संगठन हमारा संगठन सबके लिए संघर्ष कर, सबके लिए संघर्ष करता है हमारा संगठन। और ठीक है, यहाँ पर मेरिट में 6 अनुसूचित जाति के कार्मिक अगर उससे नीचे भेजे जा रहे हैं जी, ठीक है, शैलेंद्र जी आएंगे दोबारा आपके पास। उनका नाम ही सर्वजन है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि को जिनको मुझे आज बुलाना था, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी ये कहते हुए कि अमिताभ जी हमारी पार्टी ने अभी कोई लाइन तय नहीं की, ठीक है ना, जिनकी केंद्र में हुकूमत है वो अभी लाइन ही तय नहीं कर पाए कि खड़े कहां होना है। कांग्रेस की कोई लाइन तय हुई? हाँ, कांग्रेस की लाइन तो शुरू से रही है और सबसे पहले प्रमोशन इन रिजर्वेशन जो है, बाबू जगजीवन राम जब रेलवे मिनिस्टर थे 1956 में उन्होंने अपने यहां लागू किया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। बाद में ये धीरे धीरे सारे विभागों में लागू हुआ और सारी सरकारों ने धीरे धीरे लागू करने लगे। फिर जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट में वो गए, उन्होंने कहा कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन ओबीसी को भी मिलना चाहिए, जिसको कि कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ और नागराज की जो ये बात कर रहे हैं दुबे जी, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व, नंबर 2 शेड्यूल कास्ट का उनकी क्या कहते हैं स्थिति क्या है, और तीसरा रिजर्वेशन इन प्रमोशन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कमी ना हो। तो इन तीनों चीजों को लागू करते हुए सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और क्या कहते हैं कानून पास किया। उसके बाद फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने इसको माना कि अगर ये 3 चीजें हैं
तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कार्य ठीक ठाक चल रहा था। लोगों में थोड़ा बहुत असंतोष भरे था, लेकिन उसके बाद भी ये काम हो रहा था। 2008 में मायावती की जब सरकार आई तो मायावती की सरकार ने इन नियमावलियों को उल्लंघन करते हुए एक नियमावली बनाई जिससे ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। अब अगर राज्य सरकार वो जो संविधान था उसके हिसाब से कहती है कि हम इसको लागू करेंगे तो शायद कुछ लोगों का प्रमोशन रुक जाता, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि 2 लाख कर्मचारी और अधिकारी मिला के दोबारा फिर से डिमोशन में जा रहे हैं, तो आप किसी को खुश कर रहे हो किसी को नाराज कर रहे हैं। जैन साहब, हमारे दिल में पीड़ा है, क्यों कि एक चीज मान सुन लीजिए कि जब तक हम और आप दलित वर्ग को अपने बराबर का नहीं मानेंगे, उनको हे दृष्टि से देखेंगे, तब तक ये पीड़ा एक भले आदमी में जरूर होगी। ओंकार भाई ठीक, केसी जैन साहब, एक चीज तो आपने जरूर खूब सुनी होगी कि हाथी को गन्ना दिखा दो दोगे और उसके बाद छीनोगे तो बवाल होगा, ये तो तय। मायावती जी एक अपने किस्म के बवाल का कारण हो हैं, आप अपने किस्म के बवाल के कारण हैं, नुकसान दोनों किस्म के बवाल से सूबे का ही हो रहा है। जैन साहब, ये 2 लाख लोग जब डिमोशन पाएंगे तो ये मंदिर तो जाएंगे ना डिमोशन पाने के बाद, ये भी सड़क पे आएंगे, ऐसा नहीं कि दरगाह जाएंगे बताशा चलाने कि बड़ी प्रसन्नता है डिमोट हो गए। उत्तर प्रदेश फिर एक अपने किस्म की सामाजिक आग में झुलसेगा। जैन साहब देखिए, अमिताभ जी, ये जो व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक ताने बाने की व्यवस्था है, तो इसमें संतुलन की आवश्यकता है और जो निर्णय आया है वो न्यायालय का निर्णय है, इसका सम्मान करना चाहिए, सबको इसका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो प्रमोट होकर के लोग इस तरीके से पहुंच गए थे अपने पद से काफी ऊपर कि उनके आदेशों को उनके अधीनस्थ लोग उसको सुन नहीं रहे थे। क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि अभी तक वो उनसे काफी नीचे थे और प्रमोशन जो है उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से जिन लोगों का होना चाहिए था वो उनके अधीनस्थ थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था 2008 में मायावती जी ने एक वो ला करके लागू कर दिया जिस तरीके से, उसका परिणाम ये हुआ कि लोग पहुंच तो गए, अब वहां पे असंतुलन की स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में जो ये निर्णय आया है इसमें हमें लगता है कि कामकाज और अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से होगा, लेकिन जो आपने शंका जाहिर की बिल्कुल सही बात है, अगर उनको विरोध है तो न्यायालय की शरण में जाए और न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो मान्य है। जैन साहब, लेकिन न्यायपालिका के निर्णय भी एक बार नहीं कई दफा अमान्य कर दिए गए, कई उदाहरण है भारत में, उत्तर प्रदेश में ही है जहां सरकारों ने न्यायपालिका के निर्णय लागू नहीं किए, न्यायपालिका को लिख के भेज दिया कि भाई लोक व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी इसलिए व्यवहारिक नहीं इसको लागू करना। ये बात शैलेंद्र जी भी जानते हैं, अवधेश जी भी जानते हैं, ओंकार जी के भी दिमाग में कुछ उदाहरण होंगे, मेरे दिमाग में तो बहुत सारे उदाहरण है जहां सरकारों ने सिर्फ ये लिख के भेज दिया कि लोक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा इसलिए संभव नहीं। नहीं नहीं अमिताभ जी, यहाँ पे कोई लोग जीवन अस्त व्यस्त नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे और राजी राजी हो जाएगा जो भी प्रेम भाव एक साथ देश आएंगे पर। नहीं नहीं, जो जैन साहब मोहब्बत से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अमिताभ जी, केवल इसमें SC ST के लिए नहीं है, इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था का लाभ पा करके OBC के लोग भी ऊपर बैठे थे, ऐसा नहीं। और अगर दूसरा पक्ष देखा जाए कि भाई सरकार केवल विरोध में है तो सरकार के माननीय मंत्री दूसरी बात है। जैन साहब, OBC में जैन साहब सवाल ही दूसरा है, उच्च पदों पे लोग जो है वो OBC में से है। अरे भाई, तो ऐसा नहीं कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। जैन साहब, इस व्यवस्था को बनाए रखने में जैन साहब जो सरकार ने निर्णय दिया उसका, जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसका स्वागत है। सुनो भैया, हमने पढ़ा है ये सब, पूरी भूमिका मुझे पता है, संदर्भ प्रसंग क्या, नागराज ने क्या, क्या बोम्बई केस में आया, क्या इंदिरा साहनी केस में आया, उतनी जानकारी तो रखते हैं यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप एक आदेश से 2 लाख लोगों को जब डिवोट करेंगे, ठीक, तो वो 2 लाख लोग घर में जाके आराम से खाना खा के सो जाएंगे या समाज में कहीं कोई अशांति, कहीं कोई तनाव फैलेगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। लेकिन अमिताभ जी,
अगर इस भय से देखा जाए तो 2 लाख तो छोड़िए, अभी जो अयोध्या प्रकरण में जो फैसला आया था जी उसमें तो कितने लोग प्रभावित थे, उसमें तो पूरा की पूरा हिंदुस्तान उससे प्रभावित था। ठीक है, बताओ। 2 वर्गों में बांट दीजिए तो ठीक है, ठीक तो है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस फैसले को लागू ना किया जाए, उस फैसलों को माना ना जाए और उस फैसले के डर से न्यायपालिका को निगलेक्ट कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, किसी डर से किसी का अच्छी, और ये एक अच्छी व्यवस्था है जैन साहब, जो गलत तरीके से लोग पहुंच गए अमिताभ जी, गलत तरीके से लोग पहुंच गए। और जो जो शैलेश जी ने एक बात कही, एक सेकंड मेरी बात सुनो, आपका न्यायपालिका के प्रति जितना पहुंचा है ना, जो अचानक जागी है, शाहबानो केस में आप कहां खड़े थे याद है, कहां खड़े थे आप? आप भी सुप्रीम कोर्ट की लानत बलानत करने वालों की कतार में खड़े थे, आज आप हमको बता रहे हो न्यायपालिका को धूप बत्ती दिखानी जरूरी। लेकिन लेकिन न्यायिक व्यवस्था के विरोध में तो नहीं गए ना, न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ही गए, उसमें विरोध कर गए जो गए। नहीं, विरोध तो पहले पहले जुलूस निकले, पहले अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां हुई सुप्रीम कोर्ट पर, बाद में लोकसभा ने संसद ने उसको बदला है। पहले तो न्यायपालिका के सम्मान देशभर में हो ही गया था, उस सम्मान के बाद देश के इतिहास में पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत का असम्मान हुआ और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल रहे, केंद्र के एक मंत्री ने नेतृत्व किया एक प्रदर्शन का जिसमें जजेस को गाली दी गई, जियाउर रहमान अंसारी, अब वो है नहीं इस दुनिया में, उसके बाद में जाके राजीव गांधी ने बदला है उसको। ये मसला नहीं, इतना सरल नहीं है। अवधेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे समाजवादी के नेताजी बोल रहे हैं कि जूनियरिटी सीनियरिटी से काम प्रभावित होता है, ये जूनियर है वो सीनियर है। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी पार्टी है, उनके अनेकों वरिष्ठ मंत्री आज की डेट में वो मंत्री है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं वो तो जूनियर है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश का जो लाइन ऑर्डर से लेकर हर चीज प्रॉब्लम है, इसी का कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जूनियर है, वो संभाल नहीं पा रहे। तो ये जूनियरिटी सीनियरिटी की बात में मैं महोदय एक बात आपको रखना चाहूंगा, 27/4 को जो डिसीजन आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके 87 में यह भी लिखा गया है कि अगर एम नागराज और एम साहिनी के तारतम्य में अगर कोई भी प्रमोशन हुए हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। माननीय एम नागराज केस में 3 राइडर लगाए गए, दक्षता, प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन का। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में पिछड़ेपन की जो व्याख्या है, वो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पिछड़ेपन की व्याख्या की, वो हमारे संविधान की आर्टिकल 341 और 342 में क्लियर कर दी गई कि जो दलित समाज में पैदा हुआ पिछड़ा है। अब दूसरी बात आई दक्षता की, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं कहा कि जो दक्षता की प्रणाली है, 10 साल की रिपोर्ट देखी जाती है, और 10 साल की रिपोर्ट अगर किसी की भी उसमें नंबरिंग भी होती कई विभागों में, जैसे बिजली विभाग में 130 नंबर आएगा तब वो ऊपर के पद पर जाएगा, उसमें चाहे वो दलित का हो चाहे वो सामान्य का हो, सबको उतना नंबर लाना है, सबकी दक्षता बराबर रहेगी, उसमें कोई भी आरक्षण नहीं है। अब बात आती है प्रतिनिधित्व का, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर 23% का प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है। तो एम नागराज केस और इसके तहत जो 27/4 को जो निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ का, एक छोटा सा सवाल है जी, आप इसके पक्ष में विरोध में है क्योंकि आपकी बातों से आज कुछ अलग लग रहा है। 87 में यह चीज कोर्ट है, और इन्होंने कल हाई कोर्ट में जब यह शपथ पत्र दिया ये बात भी रिकॉर्ड किया, इसके तारतम्य में माननीय जो सरकार है, सरकार ने हमारी बात क्यों नहीं रखी ओंकारनाथ जी, अदालत में रखी थी ओंकारनाथ जी की, कम से कम आंकड़े बताया सरकार की, इनका प्रतिनिधित्व तो कम है, कितना कम है, नौकरी के बाद क्या कामकाज पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नौकरी पाने के बाद भी क्या ये पिछड़े रह गए, किसी सरकार ने तो कुछ किया नहीं, टोटके से अपने सियासत के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करते रहे और वही दिक्कत आगे आ गई। नहीं, वो दिक्कत नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मायावती जी ने ये सब न किया होता तो ये प्रमोशन चल रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और उसकी वजह से उस वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित हुए, तो वो तो गैर कानूनी कार्य उन्होंने किया था। अगर वो जो नागराज के केस में हुआ है अगर उसके हिसाब से चल रहा होता
तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा नहीं है। तो ये तो राज्य सरकार की ड्यूटी बनती थी कि वो पहले से ही इस तरह की कार्रवाई कर लेती ताकि इस तरह की बात ना होती। ठीक है, शैलेन जी से शैलेन जी, आप प्रोन्नति में आरक्षण इस सिद्धांत से आपत्ति है या मायावती जी की सरकार ने जिस अंदाज में इसको लागू किया उस अंदाज पर आपत्ति, आपत्ति कहां है? दोनों पर आपत्ति है। देखिए, मैं पदोन्नति में आरक्षण पर इसलिए आपत्ति करता हूं कि जब एक बार नौकरी में सभी कार्मिक आ गए तो सबको एक कुर्सी मिलती है, एक जैसी गाड़ी मिलती है, एक जैसा घर मिलता है, एक जैसा दफ्तर मिलता है, तो फिर सब समानता हो गई। ये आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इक्वलिटी का सवाल उठाता है, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि पदोन्नत में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता के चलते रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और बिल्कुल गलत व्याख्या कुछ लोग कर रहे हैं नागराज की और सारे मामलों की। नागराज के मामले में जो कहा गया है, अगर मैं उसको पढ़ूं, कंक्लूजन केवल 4 लाइन का है, वी रिइटरेट द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर एंड द कंपेलिंग रीजंस, नेमली बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स विदाउट विच द स्ट्रक्चर ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन आर्टिकल 16 वुड कोलैप्स। ये संविधान पीठ का फैसला है। तो आर्टिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस पर प्रश्न लगता है पदोन्नत में आरक्षण देने से। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, मैं बहुत से उदाहरण रख सकता हूं। उत्तर प्रदेश के जल निगम में एक असिस्टेंट इंजीनियर 1972 में नौकरी ज्वाइन करता है, और उसी जल निगम में एक असिस्टेंट इंजीनियर जिसका जन्म 1973 में हुआ है, जन्म ध्यान से सुनिएगा, वह उसका बास है। यह कौन सा सामाजिक न्याय है? और यह केवल 23% लोगों को इस तरीके से विषमता तोड़ के आगे बढ़ाया जाएगा तो बाकी इसका जवाब आप दे दीजिए। पहले मेरी बात तो सुन लो बाबू। शैलेंद्र जी ने जो बात कही, संविधान के मूल ढांचे में ये बात शामिल है, ये अवसर की समानता, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये समानता आर्टिकल 16। अब ठीक है शैलेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, उसकी संविधान पीठ ये कहती है कि अगर इन तीन राइडर्स को की अनदेखी हुई तो ये संविधान के मूल सिद्धांत यानी अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन ही नहीं होगा, ये उस सिद्धांत को ध्वस्त कर देगा। अवधेश वर्मा सर, मैं पहले आप पूछा जाऊंगा नेताजी से, बिजली विभाग में सामान्य वर्ग का जो डायरेक्टर कमर्शियल है उनके नीचे उनके बैच के वर्तमान में अभी अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता है, यहां असमानता कैसे आ गई? यहां तो इस समय भी सरकार है, सामान्य वर्ग के दोनों है, वो डायरेक्टर बन गए और उनके नीचे वाले डायरेक्टर। देखिए आप गुमराह कर रहे हैं, डायरेक्टर प्रमोशन का पद नहीं है, डायरेक्टर प्रमोशन का पद नहीं है, गलत डिस्कशन कर रहे हैं आप, गलत डिस्कशन कर रहे हैं आप, गलत डिस्कशन कर रहे हैं। मैं पूरी बात बता देना चाहता हूँ, मैं पूरी बात बता देना चाहता हूँ। पहले वो अधिकारी आम जनता साहब, पहले डायरेक्टर प्रमोशन का पद नहीं है, नियामक आयोग में गया। पहले आप सुन लीजिए, पहले वो अधिकारी आम जनता नियामक आयोग में गया, नियामक आयोग में जाने के बाद ये कानून बना कि वहाँ वो प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, एक पद पा गए। और एमडी प्रमोशन के पद नहीं है, यह गलत डिस्कशन हो रहा है। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद वहाँ से प्रतिनियुक्ति पर वो अधिकारी पहले नियामक आयोग जाता है संवैधानिक पीठ में प्रतिनियुक्ति पर, और वहां से दोबारा प्रतिनियुक्ति पर आकर डायरेक्टर बन के, और वो भी कंप्लीट ऑफ इंटरेस्ट का काम करता, कंज्यूमर इंटरेस्ट से काम नहीं करता, और उस पर कोई टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एम नागराज केस है, एम नागराज केस में ये तो आप क्लियर कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व दक्षता और पिछड़ेपन की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कहां उसने आंकड़ा कलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश सरकार किसी विभाग का मैं यह दिखाना चाहता हूँ। ये सवाल चैलेंज जी से मिले, मेरे पास जवाब है इसका, जवाब है, आप जवाब तैयार रखिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा चैलेंज जी, लौट रहे जल्द। शैलेंद्र जी ब्रेक से पहले आप देश जी कह रहे थे आप गलत व्याख्या कर रहे हैं जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं कि इस चैनल पर डिस्कशन की गरिमा के लिए जरूरी है कि विषयांतर न किया जाए।
पावर कॉर्पोरेशन में निदेशक के और प्रबंध निदेशक के पद प्रमोशन के पद नहीं है, और यहाँ हम लोग डिस्कस करने के लिए एकत्र हुए हैं पदोन्नत में आरक्षण पर, उसी विषय पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो एम नागराज का फैसला है, अगर एम नागराज के फैसले में यह कहा गया है कि कंपेलिंग रीजन्स बताने पड़ेंगे, और तीन कंपेलिंग रीजन, और उस फैसले में यह लिखा है कि ईच एंड इंडिविजुअल केस में, ईच एंड इंडिविजुअल केस में फाइल पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्वांटिफिएबल डाटा देते हुए, पहली बात तो यह कि जिसका प्रमोशन कर रहे हैं क्या वह सचमुच अभी भी बैकवर्ड है, 1.5 लाख रुपए सैलरी पाता है और बैकवर्ड है। दूसरा यह लिखना पड़ेगा क्या उसकी जाति का सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, सेवाओं में, नॉट ऑन द प्रमोशन पोस्ट, इन सर्विसेज लिखा है। और तीसरी बात लिखी हुई है उसमें कि अगर यह दोनों बातें हैं तो ऐसा करने से, यानी बेहद जूनियर आदमी को प्रमोट करने से, उसकी ACR देखने की बात नहीं है। आर्टिकल 335 जो संविधान का है, जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, वह तो प्रभावित नहीं हो रही है। देखिए, संविधान में आरक्षण इसलिए दिया गया कि जो लोग पिछड़ गए थे उनको बराबरी पर लाया जाए, लेकिन यह भी कहा गया कि उनको बराबरी पर लाने की प्रक्रिया में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक बात, ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों के साथ अन्याय हो जाए। चैलेंज और इस मामले को लेकर किसी कमिटी या कमीशन से यह मामला सुधरने वाला नहीं है। यह स्वीकार करना चाहिए कि नौकरी में आते समय आरक्षण मिला, उसके तहत लोग आ गए, जिसका मेरिट जिस स्थान पर हो, अगर कोई SC ST का एम्प्लाई मेरिट में ऊपर है तो उसका पहला प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात आई आई आई। अवधेश वर्मा जी, एक बात बड़ी बड़ी तथ्यपूर्ण कही शैलेंद्र जी ने। हर एक प्रोन्नति के केस में, हर इंडिविजुअल के केस में इन तीन मानकों का स्पष्टतः उल्लंघन का उल्लेख करके अगर ये काम किया जाता तो रार नहीं होती, तकरार नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होता। देखिए, जो भी व्यवस्था है एम नागराज केस में, संविधान में जो भी दलित कार्मिक को मिलना चाहिए, जो भी 1x1 हर चीज रिकॉर्ड होना चाहिए, ये जिसको लाभ मिल रहा वो तो रिकॉर्ड करेगा नहीं। सरकार को इस तरीके की नीति बनाना होगा, सरकार को इसके लिए कानून बनाना होगा, सरकार को फाइलों में यह रिकॉर्ड करना होगा। जिस दलित कार्मिक के लिए कोई भी कानून बनाया गया है, अगर कानून को लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं है तो उसके लिए वो कहां से भुक्तभोगी हो गया, वो कहां से दोषी हो गया। दूसरी बात, माननीय संविधान में या माननीय राजराज केस में जो भी व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती, कोई भी सरकार हो उसको वो लागू कराए और उसका लाभ जो संविधान में दिया गया उसको दलित कार्मिक को दे। अगर वो उसका लाभ नहीं दे रही है, उसको गलत तरीके से लागू कर रही है, उसका खामियाजा जो प्रदेश के, देश के दलित कार्मिक को, वो क्यों भुगतेंगे। मैं दूसरा सवाल ये कहना चाहता हूं, सभी दलित अधिकारी जब चीफ थे, AC थे, उनको आज तो आपने रिवर्ट करके निचले पायदान पर ला दिया। जब वो उस पद पे थे, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया था, आज उस निर्णय की स्थिति क्या होगी। जब वो चीफ थे और जब उनके रहते हुए उन्होंने कोई निर्णय लिया, वो भी रिवर्ट हो जाना चाहिए, तो पूरा तो विकास बाधित हो जाएगा। जो व्यवस्था है जिस तरीके से संवैधानिक प्रणाली के तहत जो फैसले रिवर्ट करे, ऐसा नहीं है, फैसले रिवर्ट नहीं होंगे, पोजीशन रिवर्ट होगी, फैसले नहीं, लेकिन पोजीशन ना ना फिर विषय उलझाओ नहीं ना, विषय उलझाओ नहीं। ओंकार नाथ जी, एक मिनट, ओंकार नाथ जी, ये बात भी महत्वपूर्ण है, जो अपेक्षा भारत की सबसे बड़ी अदालत ने की कि इन तीनों कसौटियों का साफ साफ राइटिंग में उल्लेख किया जाए प्रत्येक इंडिविजुअल की फाइल पर, अगर उसको प्रमोशन में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो। करना किसको था? ये सरकारों को करना था, सिस्टम को करना था। अब सिस्टम और सरकारों ने चूंकि ये नहीं किया तो अंततः ये स्थिति बन गई कि समाज के दो हिस्सों में टकराव की नौबत आ गई। दोषी तो वो व्यक्ति है जो प्रमोशन कर रहा है, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो DGP हो, वो कार्मिक सचिव हो, या जो भी हो, या सरकार है। इसमें ये बात अवधेश की ठीक है कि उसमें कर्मचारी का अपराध नहीं बनता। ओंकार जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल पूर्णतया सहमत हूं
कि उसमें कर्मचारी का कोई अपराध नहीं बनता है और ये सरकार को देखना चाहिए या उन अधिकारियों को देखना चाहिए जो इस कार्य को कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है अमिताभ जी, इसमें एक पॉइंट है कि वो कितना बैकवर्ड है। दुबे जी ने ये कहा कि उसको 15.5 लाख उसकी सैलरी हो गई, 1.5 लाख दूसरे की हो गई, बराबर हो गए। सोशली बैकवर्ड की बात सोचिए। आपको याद होगा, आपने पिक्चर भी देखी होगी, जब जनरल डायर ने गोली चलाई थी जालियांवाला बाग में, तो उसको एक कमीशन को फेस करना। एक मिनट ओमकारनाथ, कांग्रेस का स्टैंड ये रहा कि आर्थिक आधार पर ज्यादा फोकस रहा है, सोशली नहीं। आर्थिक और सोशल दोनों है, सुन लीजिए। नहीं आर्थिक, और मेरी बात सुन लीजिए। और वो जनरल डायर जो था, उस वो बाकी जो फॉरेनर्स थे, अंग्रेज थे, उनको तो सर कह रहा था, और जो हिंदुस्तानी मेंबर था कमीशन का, उसका नाम लेके बोल रहा था। तो जब तक हम उनका सम्मान करना दिल से नहीं शुरू करेंगे, अब आप देख लीजिए मायावती जी को कोई आदमी नहीं, अगर उनके गैरहाजिरी में मायावती ये कह रही थी, लेकिन कमलापति जी का नाम आएगा तो पंडित जी ये कह रहे थे। जिस दिन ये शुरुआत हो जाएगी, उनकी गैरहाजिरी में भी मायावती जी लोग कहने लगेंगे, उस दिन मैं समझता हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक बात, एक मिनट जैन साहब जी, एक बात शैलेंद्र जी की अच्छी लगी मुझे, मैंने उस पर अवधेश वर्मा से जवाब लिया। एक बात अवधेश वर्मा की बात से निकलकर ठीक आई, जो लोग प्रमोशन कर रहे थे सरकारी बड़े अधिकारी या हुकूमत खुद, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना फाइल पर हो। उन्होंने ये घोर माठा किया क्यों? और अगर उन्होंने ये घोर माठा किया, काला सफेद किया, तो इसकी सजा इकट्ठे 2 लाख लोग एक झटके में क्यों भुगतते हैं भाई? जैन साहब देखिए अमिताभ जी, इसमें हाँ, जो 2008 में सुश्री मायावती जी ने जिस तरीके से उसमें संशोधन करके और एक बैकलॉग को भर्ती करने का जो काम किया, उसमें यहाँ पे अव्यवस्थाएं पैदा हुई और उसके बाद में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि जो अधिकारी थे उनका बस ये था कि मुख्यमंत्री है, उनको खुश रखना है तो उनके हिसाब से काम करना है, और वो चीजें लगातार चलती है। मेरा प्रश्न आज है, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, गलती थी सिस्टम की, उस गलती को इम्प्लाई क्यों भुगते, ये मैं पूछ रहा हूँ। इम्प्लाई बता रहा हूँ ना उसका जी, कि इम्प्लाई वहाँ पे कहीं भुगत नहीं रहा है। क्यों नहीं भुगत रहा है? क्योंकि उसको जिस पोजिशन पे होना चाहिए उस पोजिशन पे, और भुगत इसलिए नहीं रहा साहब। दूसरी बात यह है कि जितनी उसको एक्स्ट्रा तनख्वाह मिली उसका भी वो लाभ ले रहा है, साथ में उसने अब तक जो सुखभोग किया उसका भी उसने पूरा लाभ लिया, तो कहीं वो नुकसान नहीं उठा रहा है। उसको जहां होना चाहिए, अच्छा डिमोशन हो जाएगा तो ये प्रसन्नता की बात है? नहीं नहीं बिल्कुल, अगर उससे नीचे जा रहा है भैया, डिमोशन पर अच्छा लगे नागरिक को, अच्छा लगे ना पिछले को अच्छा लगे। मैं चीज और बताऊं आपको कि ये जो है, जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बराबरी के लाने के लिए, कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित समाज है उसको बराबरी में लाने के लिए 10 साल के लिए आजादी के बाद लागू हुआ और अब तक वो चला आ रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उन्हीं SC ST को लाभ देने के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 5 साल एज और बढ़ा दी, 40 से 45 साल कर दिया, सबके लिए बढ़ा दी खाली। नहीं हाँ, तो बढ़ाई लिए बढ़ा दी। सबसे लाभ किसको मिला? SC ST को मिला ना लाभ, उसका सबके लिए बढ़ा दी। उनको 40 साल पहले भी था, उनकी जमीन भी तो कह दिया बात सुनिए, मैं बोल नहीं रहा था, बात कह लेने दीजिए। दूसरी बात यह है अमिताभ जी, डार्विन और लैमार्क जी, मुझे थोड़ा एक सिद्धांत ये था कि सामाजिक संघर्ष के द्वारा जो सफल है वो वहां पर स्थायी रहेगा। दूसरा ये था उसमें कि योग्यतम की उत्तर जीवता, और दोनों पे ही ये जो व्यवस्था है ये खड़ी नहीं उतरती है। और आजादी के इतने सालों के बाद में भी जिस तरह व्यवस्था लागू है, उस तरीके से जो चीज सैलेंद्र जी ने चाहिए कही कि एक को लाभ देने के लिए, जैन साहब सत्ताएं जो है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए और जनता को खुश करने के लिए सिर्फ इस चीज का फॉलो हो रहा है। जैन साहब देखिए, एडमिशन में देखिए, अब रुको भाई, एडमिशन हो रहा है। जैन साहब रुक जाइए, और वही कोर्स के लिए दूसरा 1 लाख रुपए फीस अदा कर रहा है। ठीक है जैन साहब, आगे आपकी बात, मित्र सरकारी नौकरी में एक मिनट अमिताभ जी, मतलब जैन साहब ने जो बात कही ना, डार्विन का सिद्धांत बताया उन्होंने, श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
इस सिद्धांत को लागू कर देंगे पूरे देश में तो आपकी पार्टी का नेतृत्व तो ही सबसे पहले विरोध में खड़ा हो जाएगा। जैन साहब हमको मत समझाइए, हमको मत समझाइए, श्रेष्ठतम की उत्तर ये मेरी बहस का तरीका नहीं। ज्यादा हो गए भाई जैन साहब की आवाज माफ कर दी जा रहा है, ये मेरी बहस का तरीका नहीं। आपकी बात आ गई, अब थोड़ा धैर्य रखिए। श्रेष्ठतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत कहता है किसी भी तरह का आरक्षण नहीं हो। फिर आप तो कह रहे हो और दो, आपने अभी मांग की ना कि जाति आधारित आंकड़े बताओ और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाओ, की ना मांग, और आप हमको बता रहे हो श्रेष्ठतम की उत्तर जीविता। देखिए दो नपने मत रखिए मित्र, पिछड़ों के लिए आरक्षण मांगना हो तो दूसरा झंडा ले लो। मुझे टोक दिया अमिताभ जी, ये नहीं चलेगा दे रहा हूं ना। नहीं, यहाँ पे शैलेन जी जो SC ST की कोचिंग चलती है लखनऊ में, जो SC ST की कोचिंग है जी, उनमें से अभी तक एक भी, अरे लखनऊ देश नहीं है ना भैया, शैलेन जी अपनी बात कही, आप क्या कह रहे थे, एक भी IAS PCS नहीं निकला और उनको सारी असुविधाएं हैं। अब जैन जैन साहब दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, जैन साहब आज आप इतना मत भाई, जैन साहब अगले दिन के लिए भी रखो सारी बातें, आज ही कर लोगे क्या, थोड़ा रुक जाओ भाई। शैलेन जी अपनी बात कहिए भाई। देखिए यह सारा विवाद जब शुरू हुआ तो यह ध्यान देने वाली बात है, उस समय माननीय मायावती जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, जब माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, उनकी ओर से वकील जाते थे, बहुत बड़ी फीस दी जाती थी, 3 करोड़ रुपए पर डे तक का भुगतान होता था। निर्णय आया उसके भी 1 महीने पहले तक वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। तो क्वांटिफिएबल डाटा दे के बैकवर्डनेस, इन एडुकेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशेंसी की बातें प्रूव करना अगर इतना आसान रहा होता, किसी अधिकारी का दोष नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर इतना आसान रहा होता तो माननीय मायावती जी इसको कर लेती। दरअसल क्वांटिफिएबल डाटा देके उत्तर प्रदेश की सेवाओं में यह प्रूव करना संभव नहीं है, इसी कारण से राज्यसभा में माननीय मायावती जी ने संविधान संशोधन की बात उठाई थी। अगर एम नागराज के कंपेलिंग रीजंस को फुलफिल करके उत्तर प्रदेश में पदोन्नत में आरक्षण लागू किया जा सकता है तो मेरा बड़ा विनम्र सवाल है कि फिर संविधान संशोधन की बात क्यों हो रही है। बैकवर्डनेस की गलत परिभाषा बताई जा रही है, बैकवर्डनेस जन्म से नहीं है, यह 117th अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 रेस्पेक्टिवली शैल बी डीम्ड टू बी बैकवर्ड एंड नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन आर्टिकल 335 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यह संविधान संशोधन क्यों किया गया राज्यसभा में, इसीलिए किया गया क्योंकि क्वांटिफिएबल डाटा देके यह प्रूव नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि अधिकारियों की गलती की सजा कोई भुगत रहा है। दरअसल सजा कोई नहीं भुगत रहा है, जो लोग असंवैधानिक कारणों से बेजा लाभ पा गए थे वो अपने मूल स्थान पर रखे जा रहे हैं। अगर मूल स्थान से एक सीढ़ी भी नीचे रखे जाएंगे तो सबसे पहले शैलेन्द्र जी दो बातें होती है, जो अधीक्षण अभियंता हो गया उसको चीफ इंजीनियर ना बनाओ वहां तक वो संतोष कर लेगा, उसको जेई बना दोगे तो उस दीवार में सिर दे मारेगा कि नहीं, दे मारेगा ना भैया, सिर दीवार में नहीं मार रहा है कि देखे 1972 में एक असिस्टेंट या नौकरी ज्वाइन करता है और 1973 में जिसका जन्म हुआ उसका बास है वह नहीं सर मारेगा दीवार में जाके। देखिए जो 1972 में नौकरी ज्वाइन करता है उसके नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 वर्ष बाद जो पैदा हुआ वो उसका बास है, यह कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पक्षधर मैं हूं, लेकिन जिनको एक बार आरक्षण मिल गया जो नौकरी में आ गए वो बात मैं उनके लिए किसी सामाजिक न्याय की दलील नहीं। दुबे जी जो मायावती जी ने बात की उस बात में तो समझ में आ रही है बात भाई कि उन्होंने गलत किया,
लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं इसमें दोषी है, अधिकारी दोषी नहीं होता तो मायावती जी के आदेश को मिले। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अभी बात आई कि संविधान संशोधन डाटा उनके संविधान संशोधन में सही नहीं तो अधिकारी क्या करेंगे? सब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान संशोधन चाहिए था। सर ये बात आ रही कि संविधान संशोधन में क्यों ले जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो सब केवल पॉलिटिकल एजेंडे के कारण ये सब हो रहा है। अगर सरकार कोई भी चीज ना कर पाए तो सरकार को जाके कहना चाहिए था कि हम नागराज केस में जो 3 राइडर लगाए गए हैं महोदय, इस पर पुनर्विचार कर लो और ये लागू होने में दिक्कत है। ऐसा नहीं है, आप बताइए कि किसी विभाग में कितना पोस्ट सेंक्शन है, उससे कितना दलित कार्मिक है, कितना क्या कार्मिक है, उसकी स्थिति क्या है, कोई नहीं बता सकता। मैं ये 4 विभागों का आईटीआई का आपको वो दिखाता हूं, ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की आईआईटी का निकाला गया कि भाई स्थिति क्या है। तो पहले मैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मुंबई की बात करता हूं, वहां पे प्रोफेसर 283 है, शेड्यूल कास्ट का एक भी नहीं है। वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर 118 है, शेड्यूल कास्ट का केवल एक है। वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर 120 है, शेड्यूल कास्ट का केवल 3 है। ये हमारे डाटा नहीं कहे, शरीफ जी से ले लेते हैं। सर मैं की कमी है, ये आईआईटी लागू नहीं है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, पानी लागू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लागू नहीं है, समय की कमी है। एक मिनट कहा लागू, अभी मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट समय की कमी है। अपनी बात आपने रख दी है, अपनी बात रख दी है अमिताभ जी संपादकीय। देखिए इस बहस को हम अनंत काल तक खींचें तब भी 2 ध्रुव एक नहीं होंगे, लेकिन न्याय की बात, सद्भाव की बात जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता कि अधिकारी दोषी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये 3 कसौटियां फाइल पर बताइए, तो जो भी अधिकारी, मैं उतना हायरार्की का जानकार नहीं हूं कि किस लेवल का प्रमोशन कौन अधिकारी फाइल पर कर रहा है, जो भी कर रहा हो उसको बाध्य है लिखने के लिए, मायावती हो या मुलायम सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो मुख्यमंत्री से क्या फर्क पड़ता है, उसको नौकरी सरकार की कर रहा है उनके घर की कर रहा है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आप ईच एंड इंडिविजुअल केस में बताओगे अगर प्रमोट करोगे, तो हाउ डियर कैसे उसने ये गुस्ताखी की कि सारी फाइलें एक रस्सी में बांधी और उसके ऊपर दस्तखत कर दिया, बोले सब प्रमोट, घर की खेती है क्या? इसलिए अधिकारी दोषी है, इस पाप के भागीदार है। अधिकारी कानून के शासन के तहत काम करते हैं, व्यक्तियों के विम्स पर नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो वो भी संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दूसरी बात जैन साहब से कहूंगा, अपने मित्र से, मित्र श्रेष्ठतम की उत्तर जीविता का की तो शव यात्रा निकल गई उत्तर प्रदेश में, शव यात्रा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के महान कार्य, हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच और भारत की सबसे बड़ी अदालत में सैकड़ों मुकदमों में लगे हुए हैं और खुद अध्यक्ष महोदय इरादा कत्ल से लेके लूटपाट बलवा तक के मामलों के मामले में कोर्ट में खड़े हैं। पता है आपको, आप श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता बता रहे हैं। कौन सा संवैधानिक व्यवस्था थी, कौन सा मंडल कमीशन है? नहीं स्केची जैन, अब नहीं, आप मेरे बहस का फॉर्मेट जानते हैं, आप बोलने की अनुमति नहीं होगी। मित्र माफ करिए, मुझे बताओ, मैंने मंडल कमीशन लागू हुआ वो नोटिफिकेशन पढ़ा, पार्लियामेंट में बहसें सुनी, आप लोग तो नहीं आए होंगे बहस सुनने, ना टीवी पर सुनी होगी, मैं तो वहां मीडिया गैलरी में बैठकर सुना। मुझे यह समझा दो, 80 लोग भर्ती हुए, उसमें 54 एक जाति से आ गए, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? टकराव यहां से भी पैदा होता है, सामाजिक समरसता यहां से भी भंग होती है, आपको बोलने का अधिकार नहीं। हजारों हजार बच्चे आंदोलनरत है उत्तर प्रदेश में, कोई नियुक्ति ऐसी नहीं शैलेंद्र जी, जो अदालत में चैलेंज नहीं हो रही, कोई नियुक्ति नहीं। किसकी बात, किस मुंह से बात करेंगे और किससे बात करेंगे?
मैं फिर कह रहा हूं शैलेंद्र जी, अवधेश वर्मा, आज से 5 साल बाद यही लोग फिर अदालत में, इनकी सबकी अगर ऐसा फैसला आ जाए कि जो 2-4 लाख भर्ती करके अनिल यादव जा रहे हैं, इन सबको नौकरी से निकालने का निर्णय आ जाए, तो फिर प्रदेश में एक तनाव पसर जाएगा। एक तनाव अभी, एक तनाव बाद में। गलत गलत होता है, जब भी उसको रेक्टिफाई करिएगा तो संकट पैदा होगा। एक उपाय और है, शायद उस पर भी गौर करके देखिए, आगे से गलती नहीं हो इसकी व्यवस्था हो जाए। शैलेंद्र जी भी सोचे, अवधेश जी भी सोचे, ओंकार भाई भी सोचे, एक बड़ी पार्टी के नुमाइंदे हैं वो, और जैन साहब भी सोचे, हालांकि समाजवादी पार्टी क्या सोचेगी इस पर मुझे संदेह है। जैसे जब मंदिर का आंदोलन चला, मंदिर बना मस्जिद, तो तमाम फेरिस्त आ गई, बोले जी यहां भी था, वहां भी था, वहां भी था, वहां भी था। ठीक, तो इस देश के जो लाइक माइंडेड लोग थे उन्होंने एक राय बनाई, मैं उन लोगों की नहीं कह रहा जो कट्टर हैं, चाहे इधर के चाहे उधर के, उन्होंने कहा कि इतिहास की गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे तो वर्तमान रक्त रंजित हो जाएगा। ताजमहल खुदा दोगे क्या? कुतुब मीनार भी गिरा दोगे? लाल किला पर भी खुदाई करोगे? तो इतिहास की गलतियों को कोर्स करेक्शन वर्तमान को खंडित कर देगा। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, आरक्षण जब हम संविधान सभा की बहस पढ़ते हैं, शैलेंद्र जी ने पढ़ी होगी मैं ऐसा मानकर चलता हूं, अवधेश जी ने भी पढ़ी होगी, इस कॉज के लिए दोनों लोग अपने अपने ढंग से लड़ रहे हैं। संविधान सभा की बहस सुन पढ़िए, भारत का सर्वोत्तम राजनीतिक नेतृत्व तो उस सभा का सदस्य था, 366 लोग, देश का हर वर्ग का सर्वोत्तम व्यक्ति उस सदन में था, संविधान सभा जिसको हम बोलते हैं। हम आप तो बहुत छोटे लोग हैं, वो लोग सूरज थे। तमाम तरह के विषय आए आरक्षण देते समय, तमाम तरह के सुझाव आए, लेकिन भारत ने यह फैसला किया कि दलितों को आरक्षण आर्थिक मसला नहीं है, यह हजारों साल की जलालत से मुक्ति का रास्ता है, यह भारत के प्रायश्चित का पर्व है। क्या कहा गया संविधान सभा में? कि ये भारत का प्रायश्चित है। मसला ये नहीं था उसके घर गाय है कि नहीं है, भैंस है कि नहीं है, बैलगाड़ी है कि लट्टू है कि जीप है कि साइकिल है, ये नंगा है। भारत की कलेक्टिव विजडम ने, सामूहिक मेधा ने उस वक्त माना कि इस देश में दलितों ने जो जिंदगी जी है हजार साल से ज्यादा की जलालत की, उसका परिमार्जन इस देश को करना चाहिए। वो साझा फैसला था, वो किसी की कृपा नहीं। बाद में जो जोड़ तोड़ आरक्षण में की खुद पैंच राजनेताओं ने, वो उसमें अपने अपने किस्म के छल प्रपंच किए, लेकिन वो आरक्षण ठीक है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं। लेकिन शैलेंद्र भाई एक बात कहूंगा, मैं बहुत तकनीकी जानकार भी नहीं, एक समारोह में चला गया, वहां महाराष्ट्र से एक साहित्यकार आए थे, दलित वर्ग से आते हैं, वो उसी गांव में पैदा हुए जहां वाईवी चंद्रचूड़ का गांव था, जो अपने यहां जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस रहे बाद में। उन्होंने अपने बचपन के जो किस्से बताए ना, कि जानवर को रोटी सलीके से दी जाती थी, दलित को रोटी उससे भी गंदे तरीके से फेंक के दी जाती थी, वो सब दृश्य देखा है इस देश ने। एक आग का दरिया है जिससे ये गुजर के आए हैं, ये भाव भी रखना चाहिए। ओंकारनाथ जी ने ठीक बात कही, ये भाव भी हमको रखना होगा। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण भारत मंजूर करता तो ब्राह्मण को भी आरक्षण होता, ठाकुर को भी होता, वैश्य को भी होता, सबको होता भाई। वो नहीं माना देश ने, देश ने कहा कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके अन्याय का प्रायश्चित ये देश करेगा, ये वो रास्ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे नेता ये देश के इतिहास में जगह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसमें भी संदेह है।
इनसे बहुत उम्मीद मत करिए, हो सकता है इनकी जगह के फुटनोट में भी नहीं हो। शैलेन भाई हिंद, अगर बिना गूगल देखे पूछा जाए हिंदुस्तान के सम्राटों के नाम बताइए तो 10 से आगे हम आप भी नहीं जा पाएंगे, और हुए कई हजार, रंगीले शाह रंगीले तक हो गए, लेकिन अकबर, चंद्रगुप्त और ऐसे करके कुछ नाम याद आएंगे, विक्रमादित्य, क्यों, बाकी कहां गए 15,000 छोटे छुटवइये जुगनू आते जाते रहेंगे, इनसे नहीं, समाज एक रहना चाहिए। वो रास्ता खोजिए जिससे घर दूध में खटाई नहीं पड़े। पहले आपको तकलीफ हुई तब ये मूछे ऐंठ रहे थे, अब इनको तकलीफ होगी आप मूछे ऐंठोगे, लेकिन मेरी चिंता है तनाव तो लगातार रहेगा ना, पहले आपको तनाव था अब इनको तनाव होगा, वो तनाव अच्छा नहीं समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। समाज में तनाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं, उसका रास्ता खोजा जाना चाहिए। सर्वोत्तम स्थिति है सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 राइडर्स बनाए, उन राइडर्स का पालन हो, जो लोग उन मानकों पर खड़े उतरे उनको ही केवल पदोन्नति दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के मानकों का उल्लंघन करके किसी को पदोन्नति नहीं दी जाए। मैं मानता हूं यह आदर्श स्थिति है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेन्द्र दुबे जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। अवधेश वर्मा जी आपका भी, ओमकारनाथ सिंह जी आपका भी, केसी जैन साहब आपका भी, अमिताभ जी आपका भी। इसी के साथ ही बिग बुलेटिन में इतना ही।